नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा के केंद्रीय जेल की चार दीवारों के पार नशे की खेप फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क से नशे की शीशियां जेल के अंदर फेंक कर कैदियों तक पहुंचाई जा रही है। इसमें सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी के साथ ही कैदी लिप्त है। इतना ही नहीं, मुलाकात करने वालों से पैसों की मांग प्रहरियों के द्वारा की जा रही है और इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। रीवा जिला मुख्यालय की इस जेल में हजारों कैदी सजा काट रहे हैं। इन कैदियों को नशे की खेप पहुंचाने का तस्करों ने अनोखा तरीका इजाद किया है। तस्कर जेल के बाहर सड़क से नशे की खेप फेंककर जेल की चार दीवारी के पार कर देते हैं और इस खेप को कैदियों तक पहुंचाने का काम सुरक्षा में तैनात प्रहरी और लमरदार कर रहे हैं। इसका खुलासा एक वायरल वीडियो में हुआ है। इस वीडियो में पीटीएस रोड से जेल की 20 फीट दीवार के पार नशे की खेप फेंकते हुए एक तस्कर कैमरे में कैद हुआ है। कैदियों से मुलाकात के वक्त तय समय के अनुसार ये खेप सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे के बाद फेंकी जाती है ताकि पेड़ पौधों में ये छिप जाए और प्रहरी इसे कैदियों तक आसानी से पहुंचा सके। इसके अलावा मुलाकात करने वालों से रुपए भी मांगे जाते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जेल में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जेल की दीवार लगभग 20 फीट ऊंची है। इसमें मैग्नेट के तार लगे हैं। इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी और संतरी भी तैनात रहते हैं। बावजूद इसके जेल में नशे की खेप पहुंचाने का मामला आने के बाद जेल प्रशासन सतर्क हो गया है। कैदियों से मुलाकात कर और जांच की कार्रवाई की बात कर रहा है। यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जेल में नशे की खेप, नशीली सिरप, गांजा, शराब, सिगरेट, तंबाकू पहुंचाने का मामला सामने आ चुका है। इन आरोपों में दो जेल प्रहरी निलंबित हुए हैं और मामला न्यायालय में लंबित है। इतना ही नहीं, कलेक्टर एसपी के निरीक्षण के दौरान नशे की सामग्री के साथ ही मोबाइल सिम जैसी प्रतिबंधित चीज़ें भी जेल के भीतर बरामद हो चुकी हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जेल में भ्रष्टाचार चरम पर है और जेल प्रशासन भी इसमें लिप्त दिखाई पड़ रहा है। गांव वालों को क्या दिया था? ये हवाली कुछ नहीं सर, ऐसे पहले से चिन्हारी थी, थोड़ा पापा की तरफ से चिन्हारी थी। क्या चीज? पापा की तरफ से थोड़ा पहचान दोस्त। हाँ, अंदर मुलाकात की कितने बजे दिए? अंदर मुलाकात की अंदर जब बोले थे ना, जब कितने बजे दिए? कहाँ? अंदर। अंदर वहाँ जो अंदर है, अंदर है, उसको कितने रुपये दिए? 500। क्या नाम है उसका? कांता पटेल। पिता का नाम? राम कुमार पटेल। रोज आते मुलाकात करने? नहीं, हफ्ता में एक बार का आ जाए हैं। उसकी अर्जी लगवाने के लिए वो दिए हैं सर को। सर बोले कि कल मिले। ठीक है, बता दो। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपत्ति जनों की सामग्री फेंकी जा रही है। जी हाँ, अभी मेरे संज्ञान में आया है कि जेल के बाहर के बाउंड्री से कोई जेल के अंदर में सामान फेंकते हुए का वीडियो वायरल हुआ। हम लोगों के द्वारा ये उसके बाउंड्री के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगाई जाती है, क्योंकि ये दिन का मामला है और दिन के मामले में आम जनता का वो रोड खुला रहता है, इस कारण उसमें होती है कई। ये काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे जेल के लिए। हम लगातार इस पर प्रयास करते रहते हैं कि इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें जेल के अंदर ना आ पाए। फिर भी इस पे जो है समुचित वैधानिक कार्रवाई के लिए जैसे ही वीडियो हमारे पास आ जाएगा, हम इसको थाना प्रभारी के माध्यम से वैधानिक कार्रवाई कराने के लिए भेज देंगे। तत्पूर्व में भी अधिकारियों की भ्रमण? जी हाँ, पहले भी दो सिपाही हमारे जेल के इस सामान फेंकने के आरोप में निलंबित किए गए हैं, जिसका माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी एक दो हुई हैं। जी, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।